देखो भाई का नया अमाउंट बिल्कुल मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है। ओ भाई JATIM दोपहर के 2:50 हो चुके और हम जा रहे हैं करनाल राइड पे। जाने का प्रोग्राम तो कहीं और था कि मतलब नहान वगैरह चलते हैं, पहाड़ों की वादियों की तो बात ही अलग है, बट क्या करे कोई यार मेरे साथ एग्री नहीं हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं करनाल लेक पे जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहा है, एक मैं जा रहा हूँ, एक हरेन जा रहा है और सिद्धार्थ जा रहा है। सिद्धार्थ को आप लोग नहीं जानते, मैं बाहर जाके मिलवाऊंगा। तो अभी हम करनाल राइड पे जा रहे हैं, मतलब ना यार वो वाला प्लान हो गया। जाने का तो 6-7 बंदों का प्रोग्राम था, वो मीम नहीं आता कि भाई गोवा जाएंगे, जब लास्ट में जाना होता है तो कोई फ्रेंड हाँ नहीं करता, मेरे साथ भी वही वाला सीन हो गया। 6-7 बंदों ने राइड पे जाना था, बट लास्ट में हम 3 ही जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम करनाल लेक में, वहाँ पे पूरा फन करेंगे, मजे करेंगे भाई, और खाएंगे पिएंगे बढ़िया वाला। क्योंकि यार संडे जब आता है ना, तो हम जो बाइकर्स होते हैं राइडर्स होते हैं उनको ये होता है कि भाई कब संडे आएगा, कब राइड पे चलेंगे। अब संडे तो आ चुका है, बट कोई राइड पे जाने के लिए तैयार नहीं था, तो भाई घर बैठा तो मैं संडे वेस्ट कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो अब करनाल चलते हैं भाई, करनाल जाके करेंगे फन। सो लेट्स गो। सिद्धार्थ आ चुका है, हरेन भी आ चुका है, एक प्रीत ब्रो तू जा क्यों नहीं रहा यार, जनता जानना चाहती है। तो ये सिद्धार्थ आ चुका है, क्या हाल है सिद्धार्थ? तो ये एमटी का हेलमेट हम पहले सिद्धार्थ का लेके गए थे, देखो आपको याद आया होगा। क्या हाल है हरेन? ये देखो भाई का नया अमाउंट बिल्कुल मतलब छोड़, सॉरी चला। और अभी चलते हैं राइड पे। ये देखो भाई फुकरापंती चालू होगी इसकी, तो I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. क्या बात है, बाइक चला के भाई इतना मजा आ रहा है ना, बस क्या ही बताऊ। लास्ट टाइम पोंटा साइड गए थे तो भी नहीं चलाई थी इतनी फ्री, क्योंकि वो यार सिंगल साइड हाईवे था और ये भाई डबल साइडेड, तो गजब वाला मजा आ रहा है। अभी हरेन और वो तो आगे ही है, सिद्धार्थ तो आई थिंक हम अभी लेक पे ही मिलेंगे सीधा जाके उन्हें। तो जब मैं पिछली बार आया था करनाल लेक में, इतना पानी था नहीं। अगर जिन्होंने मेरा पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो देख सकते हैं, करनाल लेक से सर्च कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और आई बटन में अपलोड भी कर दूंगा। तो पिछली बार इतना वाटर था नहीं, ना कोई बोटिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि जो उस टाइम COVID-19 था ना वो पीक पे था, तो भाई मेरे को हो रही थी चूल, तो मैं आ गया और थोड़ा बहुत घूम फिर के चला गया। भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है सामने? ये देखो यहाँ पे झंडे वंडे, अच्छा ये मेरे को लगता है कि इंसान आंदोलन पे जा रहे हैं सारे संडे करके। और यहाँ देखो खाना वगैरह फुल लाइन के लिए, एक गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। तो भाई ये अपन पहुँच चुके हैं ओआसिस, और अब यही से ही रास्ता कटेगा करनाल लेक के लिए भी। बस यार होप करता हूँ कि खुला मिल जाए सब कुछ, कुछ बंद ना मिले, लेट्स सी। अपने हाथ में भी कुछ नहीं है, जो होगा सो होगा। लो भाई यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और करनाल लेक के लिए रास्ता। और ये देखो ये करन लेक है पूरी, मतलब
नहीं है यार, पानी आज भी नहीं है। देखो पूरी खाली पड़ी है भाई, ये देखो आपको दिख रही होगी, फुल खाली फुल। तो कोई इशू नहीं है, अभी चलते हैं लेक वाली साइड। ये देखो ये रहा पहला व्यू करनाल लेक का, जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। बोटिंग तो हो रही है बट पानी बहुत ही कम है, बहुत ही कम, इतना कम होता नहीं है वैसे यहाँ पे। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है क्या नहीं। तो देखते हैं भाई हरेन और पहुँचे हैं या नहीं। वाओ मैन कितना क्राउड है, जब लास्ट टाइम आए थे तो भाई बहुत ही कम क्राउड था, इस टाइम देखो कितना क्राउड है। आसपास के सारे आई थिंक घूमने आए हुए इधर। हरेन वाली बाइक तो मुझे दिख नहीं रही काई भी खड़ी हुई। तो चलो एक बार आगे दिखाते हैं कि आप तो आगे ना खड़े हो भाई, यहाँ भी नहीं खड़ी, ना सिद्धार्थ वाली बाइक खड़ी ना हरेन वाली, और ये इधर फोटोशूट चल रहा है। क्या बढ़िया माहौल है यार, उम्मीद थी नहीं इतने बंदे आए होंगे बट अच्छा माहौल है। नहीं है भाई यहाँ भी नहीं है उनकी बाइक। कहाँ पे है भाई? भाई मैं पहुंच गया तो। मैं भी करनाल लेक पे ही हूँ। हम बर्गर किंग के बाहर खड़े हैं। आगे किधर खड़े हो? बर्गर किंग के बाहर। आगे आओ ना भाई, बड़ी लेट हो गए यार। तुम कहाँ रह गए थे, रुके थे क्या बीच में? भाई हम पुलिस ग्राउंड लगे थे, उसके बाद हम आए एक सप्ताह में। मैं तो भाई लेक पे पहुंचा बड़ा हूँ, 10 मिनट हो गए मेरे को, आ जाओ। तो भाई ये पोल्यूशन करवाने के लिए पीछे रुक गए थे और हमें लगा हम लेट है बट ये लेट है, कोई नहीं आने दो इनको, फिर इकट्ठे चलते और मजे करते। और आज भाई इतना टूरिस्ट आ रखा ना, मुझे उम्मीद थी नहीं कि इतना टूरिस्ट होगा। तो लो भाई सिद्धार्थ तो आ गया, हरेन पता नहीं कहाँ पीछे रह गया। आओ आओ, वहाँ भाई अलाउड नहीं है उसके आगे, शायद यही लगा लो, क्या दिक्कत है। ये देखो ये भाई जा रहा है जल्दी जल्दी में, बेचारा व्लॉग बनाने के चक्कर में हेलमेट ही अपना भूला है। बस भगवान करे इसका हेलमेट मिल जाए, कोई उठा के ना ले जे। मिला। ये देखो तूने बाइक के पास छोड़ दिया, ये बाइक के पास भूल आया, ओ तेरी। वेलकम टू हरेन टुटेजा व्लॉग्स, हेलमेट ही भूला है भाई, देख ले कोई उठा के ना ले जे। मिल गया हरेन हेलमेट। किसकी बाइक है? सिद्धार्थ भाई ये क्या खड़ा है, क्या है ये? कहते हैं गाय है। गाय कहते हैं बट हरेन क्या बोलता है इसको? भैंस बोलता है। कह रहा भाई भैंस खड़ी है एक। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी कौन से एंगल से होती है। हाँ तो तुमको, तो तूने पहले भैंस क्यों बोला ये बता, क्यों? बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लस टू क्लियर कर ले तब शायद थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाए थे। ये भाई भैंस बहुत अग्रेसिव लग रही है हरेन की लैंग्वेज में। देखो इसको हल्का सा भी कुछ कहो ना, पूरी को देखो दिखा आगे आगे। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कैमरा क्या माउंट कर रखा है इसके ऊपर? तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाती है? ओके हरेन की फोटोग्राफी स्किल से भाई काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए, इसको बेचारे को फोटोग्राफर ही बना लिया। आपने सीन्स देख लिए होंगे, फोटोज अच्छा खींचता है लड़का। अब जो थंबनेल पे फोटो लगी हुई है वो भी हरेन ने ली, और जो मैं इंस्टा पे डालूंगा वो भी हरेन ने ली। भाई मजा आ गया झूले लेके, मतलब ना पुरानी यादें सारी ताजा हो गई हरेन। मजा, हाँ भाई बहुत मजा आया, हवा में ही लटका दिया तुम्हारे भाई ने आज हरेन को। I'm walking alone in the street.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. ली मारने वाला कह रहा खाली सड़क है, वीली मारने का बहुत मन कर रहा है। ओ भाई क्या खतरनाक गजब वीली मारी यार, अपने को भी सीखनी है वीली भाई, इससे टिप्स लूंगा मैं भाई कैसे करते हैं भाई। जबरदस्त A1 मजा आ गया, एक और हो जाए, वंस मोर। तो अभी एक और वीली मारेगा सिद्धार्थ, देखना आप भाई भाई भाई। ओ भाई गजब A1 मजा आ गया भाई, सुपर। ओ भाई, ओ भाई साहब, भाई साहब विली देखी आप लोगों ने, मतलब एंड मजा आ गया भाई, भाई गजब मजा आ गया भाई, गॉड मजा आ गया। मतलब विली देख के आपको भी आया होगा जितना हमें आया, मतलब हमसे ज्यादा मुझे पता है आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। आप लोग बाहर नहीं कर रहे तो आप लोग वीडियो में एंजॉय कर रहे होगे। बाकी A1 राइड अभी शाम होने वाली है, तो अभी कुछ खाने पीने चलते हैं, लेट्स गो। तो लो भाई जिलमिल ढाबा भी आ गया, अब यहाँ पे कुछ खाते हैं बढ़िया। ये दो खड़े हैं अपने बाइकर ब्रोस, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। चलो चलो पराठे वराठे खाते हैं और बाइक खड़ी कर देते हैं कहीं साइड पे। तो फाइनली जिलमिल ढाबा पहुँच गया और अब यहाँ पे पेट पूजा करते हैं। बर्गर वर्गर खाने का मन नहीं था तो पराठे वगैरह देखते हैं, आज ढाबे के बड़े दिन हो गए। Been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. आपको भी ले लेता हूँ वीडियो पे, आप भी YouTube पे आओगे, सर्च मारो चैनल जतिन JATIN। अभी वीडियो कर ले, वीडियो ऑन है बहस। तो भाई जगह जगह जाते जाओ और सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ। तो भैया अभी चैनल ढूंढ रहे हैं और सब्सक्राइब करेंगे, भैया को भी आना था यूट्यूब की वीडियो में, तो हमने भैया को भी ले लिया। हेलो बोल दो भैया सबको। तो भैया ने अभी पराठे की लाया, बहुत मतलब मजेदार पराठे लगे भैया, मजा आ गया खा के। ये है व्लॉगर्स लाइव, अपना कोई भी मिले भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और भाई से चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया, और भाई चाय भी काफ़ी अच्छी है, चीयर्स आप सबको। अपना अलग से माउंट मतलब तैयार करवाया इसने चेस्ट माउंट व्लॉगिंग के लिए। बंदे की क्रिएटिविटी देख रहे हो आप, हरेन ने आज बता दिया कि बंदे के अंदर पैशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। क्यों है देख चबड़ा देख कैसे हो गया बफेलो, नहीं भैंस गाय को भैंस बोलने वाला पहला बंदा भाई सही में। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये ना सारे पागल है, पागल पुगल नहीं है भाई। तो निकल गया। ओए, चल नहीं, दो बंदे झूठ बोलेंगे, दो बंदे झूठ बोलेंगे, जुबान से मैं क्या करूं? ऐसे कैसे निकल गया, ऐसे तो तू कल को लड़के को भी लड़की बोल देगा, कहेगा जुबान फिसल गई। हम भी करते अपने ब्लैक बुल को स्टार्ट है। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस, टेस्टी फूड झिलमिल ढाबा, देख लो भाई आ सकते हो जिसने आना है। और ये सामने पुलिस खड़ी है भाई, अपने को रोक भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। बट यार मास्क नहीं लगाया हुआ मैंने, तो यार मास्क लगाया भी नहीं जाता सही बताऊँ तो, हेलमेट के अंदर भाई बहुत मुश्किल हो जाता है मास्क लगाना ना। तो अभी सीधा कुरुक्षेत्र जाके रुकेंगे, मेरा पहले ये था कि पेट्रोल पड़वा लूँगा, इसमें सिर्फ 2 स्टिक्स उठ रही थी, बट अभी भी 2 स्टिक्स उठ रही है, सो आई होप कि हो जाएगा पेट्रोल पूरा। यार NS 200 की ना यही सबसे मतलब मेरे को अच्छी बात बिल्कुल नहीं लगी कि इसका जो मीटर है ना पेट्रोल शो करने वाला, वो मतलब कुछ भी शो करता है, कभी 3 डंडे कभी 1 डंडे कभी 2। तो अभी मेरे को लग रहा है कि पेट्रोल पूरा हो जाएगा, घर जाके ही पड़वाऊँगा। सो लेट्स गो टू आर वे एट होम। और आज ना भाई GoPro की नाइट क्वालिटी भी चेक हो जाएगी, क्योंकि ना मैंने कभी इस टाइम पे GoPro के साथ व्लॉग नहीं किया, जितने भी GoPro के साथ व्लॉग किया ना भाई वो मैंने किया है दिन में। अभी अंधेरा हो रहा है हल्का हल्का, तो देखते हैं भाई क्या होता है। निकले थे ऑलमोस्ट 3:00 और अब टाइम हो चुका है 6:15, तो 3.5-4 घंटे मतलब हमने अच्छे खासे स्पेंड कर लिया और मज़ा आ गया राइडिंग करके, मूड भी इतना फ्रेश हो गया ना भाई, घर बैठे बैठे तो भाई पता नहीं डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैं।
तो अभी सिद्धार्थ को अपन ने बाय बाय बोल दिया, इसको यहाँ पे कोई काम था तो ये रुक गया, और हरेन और मैं अब चलते हैं घर की तरफ। हरेन अभी काफी आगे निकल चुका है, मैं सिद्धार्थ को बाय बाय कहने लग गया था तो हरेन आगे निकल चुका है, तो चलते हैं बस घर आ गए अपना, ज्यादा दूर नहीं है अब। ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड इन कुरुक्षेत्र। ये लो अपन ने हरेन को फाइनली पकड़ लिया, ये जा रहा है। अभी इससे डांस करवाते हैं। ये मतलब डांस करने को तो ना हमेशा तैयार रहता है, इसके आगे सिर्फ ऐसे उंगली उठाने की देर है, और ये बंदा भाई ऐसे ऐसे डांस करता ना, मतलब इसके जैसा फिर कोई डांस कर ही नहीं सकता। ओके तू कहाँ स्प्लेंडर पे आ गया R15 से। अच्छा पीछे भाई लेके आ रहा है। ओके ब्रदर, दोस्तों फाइनली वी हैव डन आवर राइड सक्सेसफुली, मजा आ गया राइड करके, और भाई वीडियो भी काफी एंटरटेनिंग बनी, मतलब काफी अच्छा लगा इतने दिनों बाद संडे को बाहर जाने के लिए। यार घर ही पड़ रहता हूँ, पूरा हफ्ता घर जाने के बाद एक संडे ही होता है बाहर जाने के लिए, और आज भी भाई उम्मीद थी नहीं कि हम राइड पे जा पाएंगे, वो तो लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान बन गया और हम राइड पे जा पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कोई भी एक रीजन, कोई भी एक छोटी सी क्लिप पसंद आई हो ना, तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो देख रहे हैं भाई लाइक नहीं कर रहे उस चीज को, मतलब देखते हैं आप, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है कि पूरी पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब, यार एक ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे टच ही तो करना है भाई, कर दो यार भाई के लिए, इतना नहीं करोगे तुम लोग तो। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बॉम।